रीड द एक्सचेंज एक एक्सचेंज लिखा हुआ है एक डायलॉग है टीचर और स्टूडेंट के बीच में टीचर ने कहा है वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट नेम्स ऑफ फ्लावर्स नियर कॉरिडोर भाई हमें गार्डन में जाकर के कॉरिडोर के पास देखना चाहिए उनके नाम क्या हैं जो फ्लावर्स वहां लगे हुए हैं कॉरिडोर में है ना देखिए क्वालिटी इनक्रीज कर दो कौन रो रहा है ये? आप रोज रोज क्यों दुखी हो जाते हो क्वालिटी के नाम पे एक मिनट रुको चेक करने दो जल्दी से बताओ स्टूडेंट कहता है यस यस या है ना टीचर ने कहा यस मैम प्लीज ये बताया है कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना है कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं यहाँ टीचर की इसकी बात की जाए यदि टीचर की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ ये यह दर्शाया है अपने शब्दों से कि ऐसे तुम्हें बिहेव करना चाहिए इससे ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी और क्या लोगे और टीपी पे भी इतनी सुंदर दिख रही है स्क्रीन अपनी बात नहीं कर रही हूँ उसमें कहने की क्या बात है फैक्ट है वो कर नार्सिसिज्म so, का नेक्स्ट लेवल कहते हैं टीचर शेल देखो टीचर ने ये दर्शाया है अपनी बात से कि बच्चे को पोलाइटली यही बात कैसे कहनी है तो हम कह सकते हैं रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस ये जो लैंग्वेज का फंक्शन था इस बात को कहना था इसको पोलाइटनेस से जोड़ दिया कि इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं यस यस या की जगह यस मैम प्लीज भी कह सकते हैं